हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेट एट वन। गाइस, आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है एंजियोस्पर्म्स। पिछली वीडियो में हमने जाना था जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और क्वेश्चन जो आप सभी के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। आज हम जानेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, उनके साइज के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, उनके फर्टिलाइजेशन के बारे में, उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और उनके हैबिटेट के बारे में। गाइज, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है जो बच्चे NVS, KVS, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट और साथ ही साथ अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइज, अगर बात की जाए डिफरेंस की, सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि वॉट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो अगर एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो एंजियोस्पर्म एक ऐसे प्लांट्स का ग्रुप होता है या ऐसे प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है जिनमें फ्लावर्स आते हैं, पहला तो ये हुआ। दूसरा चीज ये हुआ कि अगर सीड्स जो होते हैं उनके ऊपर आउटर कवरिंग प्रेजेंट हो और उस आउटर कवरिंग को हम एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स यानी कि फ्लावर्स के रूप में देखते हैं तो ये कहलाता है आपका एंजियोस्पर्म्स। यानी एक लाइन में अगर हम देखा जाए तो ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिनके सीड कवर्ड होते हैं एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर यानी कि फ्लावर से, तो उन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो ये वो आपका जनरल सब कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर स्पेसिफिक की बात करें तो इनकी साइज पे आते हैं, इनके फीचर्स के बारे में। सबसे पहला आपको पूछा जाता है साइज। तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्लांट ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली, तो एंजियोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा वोल्फिया के नाम से जाना जाता है, जो इतना छोटा होता है कि आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसे देखना पड़ता है। अगर टॉलेस्ट ट्री की बात की जाए एंजियोस्पर्म की, तो टॉलेस्ट ट्री होता है इसका यूकेलिप्टस, जिसकी लंबाई 100 मीटर से ऊपर पाई जाती है। तो ये हुआ आपका साइज। अगर इनकी हैबिटेट की बात की जाए गाइस, तो ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में उगते हैं। इट मींस कि ये लैंड के एरिया पे भी एग्जिस्ट करते हैं, वाटर एरिया में भी यानी कि एक्वाटिक और मैराइन दोनों एरिया में एग्जिस्ट करते हैं, शेडी एरिया में भी एग्जिस्ट करते हैं और साथ ही साथ अंधेरे या ऐसी जगह जहाँ लाइट बहुत कम आती है या लाइट बहुत ज्यादा आती है वहां पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका आता है इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द वेरियस यूजेस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, या अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं हम फूड के बारे में। तो एंजियोस्पर्म जो फूड की तरह यूज होते हैं उनमें से सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि जितने भी अनाज हैं उनमें मैक्सिमम आपके एंजियोस्पर्म्स है। जैसे आपके गेहूं, दाल, चना, ये सारी चीजों को ले लीजिए तो सारे एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। इसके अलग अगर हटके टेंड्रिल्स को देखा जाए, जैसे आपके बहुत सारे जैसे लौकी, खीरा, ये सारी चीजें क्या है आपके एंजियोस्पर्म्स के रूप में, आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉडर। फॉडर मीन्स होता है ऐसी चीजें जो आप एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। तो अगर जौ देखा जाए, बाजरा देखा जाए, ऐसे कई सारे चीजें हैं जिन्हें हम फॉडर की तरह यूज कर सकते हैं। फ्यूल, फ्यूल के रूप में देखा जाए तो सबसे बड़ा फेमस आपके पास प्लांट है जैट्रोफा या जैट्रोफा, जो आप जो यू फोर बी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर गाइज एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर फ्यूल आपसे कहा जा रहा है तो ये नहीं कि आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल, आपको कई सारी प्रोसेसिंग के थ्रू इस पौधे को गुजारना होता है, एट लास्ट आपको तब जाकर फ्यूल मिलता है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट, एक चीज़ से और आपको फ्यूल मिल सकता है, कई सारे प्लांट्स हैं तो जो फेमस है उनको आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे धान, धान की भूसी जो होती है, धान का आउटर कवर या राइस का आउटर कवर जिसे हम भूसी के नाम से जानते हैं, उससे आपको मीथेन प्राप्त होता है और मीथेन यूज होता है फ्यूल की तरह। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिसिन की, तो मेडिसिन एंजियोस्पर्म का एक ह्यूज फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स कि मैक्सिमम ऐसे सारे प्लांट्स हैं जो मेडिसिन की तरह यूज होते हैं एंजियोस्पर्म्स में। अगर कई सारे देखें तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं शंख पुष्पी का पौधा होता है, ठीक है ना, इसका एलोवेरा का पौधा होता है, कई सारे पौधे होते हैं जो आपके मेडिसिन की तरह यूज होते हैं। अगर अदर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस देखा जाए तो कॉमर्शियली अगर आप देखें तो जूट जो होता है, कॉटन है, ये सब इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रेड जो है इनसे गवर्न होते हैं। यानी अगर हम देखें तो एंजियोस्पर्म के कई सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, तो एंजियोस्पर्म को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, पहला है डाइकोटिलेडन और दूसरा है मोनोकोटिलेडन। अब ये टर्म क्या डिराइव करते हैं, पहले जानते हैं हम कोटिलेडन क्या होता है। ये है आपके पास एक सीड, सीड को अगर आपने
सीड के पास कुछ इस टाइप का प्लिमोल रीजन होता है जहाँ से आपका प्लांट इमर्ज करता है, यानी कि यहाँ से जब आप पानी देंगे पौधे को तो यहाँ से पौधे में से पत्ती निकलेगी। तो इस एरिया से अगर आप सीड्स को डिवाइड करें तो इक्वल दो हेल्स यानी कि दो आधे हिस्सों में बट जाएगा। तो ये होगा आपका डाइकॉटिलेडन। इस हिस्से को कॉटिलेडन के नाम से जाना जाता है। अगर किसी सीड में दो कॉटिलेडन हो तो उसे हम डाइकॉट के नाम से जानते हैं, और अगर किसी सीड में एक कॉटिलेडन हो यानी कि सीड उसका दो भाग में ना टूटे तो वो होगा मोनोकॉटिलेडन। अगर आप हथौड़े से मार के तोड़ दें तो बात अलग है, लेकिन अगर डाइकॉटिलेडन की बात करी जाए तो ये है इसका जनरल सा कैरेक्टरिस्टिक। और भी कैरेक्टरिस्टिक की बात करी जाए इसमें तो डाइकॉटिलेडन में होती है रेटिकुलेट विनेशन, यानी कि अगर लीव्स इनकी देखी जाए तो लीव्स कुछ इस टाइप की होती है डाइकॉट्स की, रेटिकुलेट यानी कि नेट टाइप की विनेशन पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका मोनोकॉट के बारे में। मोनोकॉट के बारे में हमने कहा कि सिंगल कॉटिलेडन बियरिंग होता है और इनकी जो लीव्स होती हैं कुछ इस टाइप की होती हैं पैरेलल विनेशन की, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका कुछ जनरल सा कैरेक्टरिस्टिक जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ चलते हैं। अब गाइस बात करते हैं इनके सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। तो मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होता है एंजियोस्पर्म में, उसे हम स्टेमिन के नाम से जानते हैं। अब स्टेमिन कैसा होता है आप लोग फैमिलियर हैं इस टर्म से, फिर भी जो बच्चे बायो के ग्रुप के नहीं हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस टाइप का होता है, आपने फ्लावर्स में देखा होगा कि बिल्कुल बीच में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो इसे हम स्टेमिन के नाम से जानते हैं। ये होता है एंथर जिसमें पोलन ग्रेन्स इमर्ज करते हैं, यानी कि अगर ये फट जाए तो इनके बीच से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं और ये फर्टिलाइजेशन के काम को आगे कैरी ऑन करते हैं। तो ये था आपका मेल गैमेट। अगर फीमेल की बात करी जाए तो फीमेल ऑर्गन जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये हिस्सा जो है आपका, ये पूरा हिस्सा आपका कहलाता है पिस्टिल और कार्पेल, ठीक है ना। और ये किस टाइप का होता है, ऊपर के रीजन को हम स्टिग्मा के नाम से जानते हैं और नीचे के रीजन को हम स्टाइल के नाम से जानते हैं, जिनके बारे में हम अभी आगे चल के स्टडी करेंगे। ये बस हमने जनरल सा कॉन्सेप्ट देखा। अच्छा, अगर बात की जाए फर्टिलाइजेशन की, तो आपके एग्जाम्स में जो टर्म पूछा जाता है वो होता है इससे रिलेटेड फर्टिलाइजेशन, क्योंकि गाइज इसकी जो फर्टिलाइजेशन है वो सारे प्लांट्स से बिल्कुल ही हटकर होती है, क्योंकि इस कैटेगरी के प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन नाम का कॉन्सेप्ट आता है। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, चलिए देखा जाए। सबसे पहले बात करेंगे सेक्स ऑर्गन्स की या सेक्स अपरेटस की। तो इनमें जो सेल होती है, इनमें जो ओवरी का सैक होता है कुछ इस टाइप का, जिसमें एग यानी कि ओवम या ओव्यूल एग्जिस्ट करते हैं, तो कुछ इस टाइप के होते हैं। तीन सेल्स नीचे, तीन सेल्स ऊपर और बीच में दो सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है, इसको हम टर्म देते हैं एग एपरेटस के नाम से, जो होता है फीमेल फ्लावर के अंदर, ठीक है ना। तो अब पोलन ग्रेन हवा के थ्रू या पानी के थ्रू ट्रेवल करते हुए जब पिस्टिल के अंदर एंटर करता है, पिस्टिल कुछ इस टाइप का होता है, पिस्टिल के अंदर एंटर करता है तो पोलन ट्यूब के थ्रू होते हुए मेल न्यूक्लियस यहाँ जाकर अंदर फर्टिलाइज करता है। एक बार इनके साथ में करता है और एक बार इनके साथ में, तो वो बनाता है दो टाइप की सेल्स। और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन दो बार हुई इसलिए इसे टर्म दिया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से। अच्छा, अब जब हमने बात कर ली इतनी ज़्यादा तो हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो तीन टाइप के सेल्स होती हैं सेक्स सेल्स, उनमें कौन सी सेल्स और हर सेल का क्या अलग अलग नाम होता है। तो अगर बात की जाए अलग अलग सेल्स की, तो पहली जो सेल होती है एग एपरेटस के अंदर, उसे कहा जाता है एग सेल, जो फर्टिलाइज करती है मेल गैमेट के साथ में। दूसरी जो दो अलग प्रकार की सेल होती है उन्हें सिनर्जेट्स के नाम से जाना जाता है, और तीन जो सेल्स होती हैं एक साथ उन्हें एंटीपोडल सेल के नाम से जाना जाता है, और साथ में उनके दो पोलर न्यूक्लियस होते हैं जो हमने अभी देखा। तो इस टाइप की सेल्स से जो पाई जाती हैं आपके एम्ब्रियो सैक में, यानी एग एपरेटस में, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। गाइस ये है आपके कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट्स, और इन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से जानते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लीफ और फ्लावर्स इक्वली डिवाइडेड हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रूट्स भी हैं। रूट्स आपको हालांकि विजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर लीव्स हैं। ये है आपका मोनोकॉट प्लांट। ये है आपका मोनोकॉट प्लांट, सॉरी, ये है आपका डाइकॉट प्लांट और ये है आपका मोनोकॉट प्लांट। आगे बढ़ चलते हैं।
अब बस यहाँ पे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इम्पॉर्टेंट, वो आपको जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती कैसे है। पहले क्या होता है, हमने अभी अभी डिस्कस किया, लेकिन इसको डीप में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन होती कैसे है, हमने देखा अभी कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है सेल्स का। चलिए फिगर की हेल्प से समझते हैं। ये आपका एंथर, जिसके बारे में हमने बात करी थी कि एंथर कुछ इस टाइप का ऑर्गन होता है, फीमेल ऑर्गन, और यहाँ से आपको मिलते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स को हम माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं, जो कुछ इस टाइप का होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करके रिड्यूस्ड यानी रिडक्शन डिवीजन के थ्रू यानी कि माइटोसिस के थ्रू चार छोटे सेल्स में डिवाइड होता है, जिसे हम माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं। आगे चल के यही माइक्रोस्पोर्स डिवाइड करते हैं और पोलन ग्रेन्स के रूप में डिवेलप करते हैं। यही पोलन ग्रेन्स आगे हवा या पानी के थ्रू ट्रैवल कर कर फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यही फीमेल गैमेट के थ्रू दो सॉरी इन पोलन ट्यूब के थ्रू दो न्यूक्लियस ट्रैवल करके फीमेल गैमेट में जाकर फर्टिलाइजेशन करते हैं और यहाँ पर फॉर्म होता है जाइगोट। जाइगोट आगे चलकर कुछ इस टाइप का एम्ब्रियो बनाता है, यानी जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनता है और आगे चल के एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डेवलप होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि लाइफ साइकिल कैसी है। लाइफ साइकिल दो टाइप्स की है यहाँ पे, एक में गैमेटोफाइटिक जनरेशन है यानी कि रिडक्शन डिवीजन यहाँ पर होता है, और यहाँ पर होता है माइटोसिस, और ये होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो ये थी आपकी लाइफ साइकिल और इसे कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो गाइज ये थे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे जो एंजियोस्पर्म से रिलेटेड थे। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।